साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिजो रबाडा को गुरुवार से केपटाउन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिए क्लीन चिट मिल गई है। रबाडा पर लगे दो टेस्ट मैचों के बैन को आईसीसी आचार संहिता आयुक्त माइकल हेरन ने हटा दिया है। आईसीसी द्वारा ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ के साथ गलत व्यवहार करने के कारण रबाडा पर दो मैचों का बैन लगा था। रबाडा के मामले पर सोमवार को 6 घंटे से भी अधिक समय तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई की गई थी। इसमें रबाडा की ओर से डॉली पोफू वकालत कर रहे हैं। मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाते हुए जज हेरन ने कहा कि वो इस बात से संतुष्ट नहीं है कि स्मिथ के साथ मैच के दौरान रबाडा का कंधे से टकराना जानबूझकर किया गया है और गलत काम था। हेरन ने कहा, सबसे मुख्य मुद्दा यह है कि क्या ये रबाडा ने जानबूझकर किया था। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ कि उन्होंने जानबूझकर किया था और इसलिए मैं उन्हें आचार संहिता 2.2.7 का जिम्मेदार नहीं मानता हूँ। हेरन ने कहा, मेरा मानना यह है कि अनुच्छेद 2.1.1 के उल्लंघन के लिए रबाडा पर लगा मैच फीस का 25% जुर्माना उपयुक्त दंड है। ऐसे में रबाडा अब नियमों के उल्लंघन के परिणामों से भलीभांति परिचित हो जाएंगे। इस फैसले पर अपने एक बयान में आईसीसी के मुख्य कार्यकारी डेविड रिचर्डसन ने कहा कि फिर आईसीसी पूरी तरह से इस फैसले को स्वीकार करती है और वो कम समय में इस मामले की सुनवाई के लिए हेरन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।